क्या कहूँ यार आज आपसे यार, काम करते करते इतना मैं बोर हो जाता हूँ ना सच में। मुझे लगता है कोई म्यूजिक सिस्टम पास और मजे से काम होता रहे। तो आज के वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक इसी तरीके का एक एम्पलीफायर। ठीक है, रुके मैं थोड़ा आपको सही से बैठ कर बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ कोई इसी तरीके का एम्पलीफायर। आप देख सकते हो कि अभी टाइम लगभग हो रहा है, रात का टाइम है यार, कम से कम 10:45 का टाइम है और इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पीछे आपको कोई भी आज मैं भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं सुन रही होगी अभी थोड़ा। तो ये क्या कारण है, तो आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ एक एम्पलीफायर, छोटे वाला मोबाइल में लग जाए और इसमें बनाऊंगा इस डब्बे में, ठीक है ना, जो कि काफ़ी छोटी है। आप देख सकते हो इस इतने में ये सब कुछ आ जाएगा। तो अभी हमें करना है कि ये बनेगा कैसे। सिंपल सी बात, एक चीज़ तो हमें सिंपल से चाहिए होगा यहाँ पर, स्पीकर, ठीक है। लेकिन मदरबोर्ड, बात आती है जब मदरबोर्ड की, तो कई लोग सोचते हैं यार सर्किट बना ले, जैसे 547 एक ट्रांसिस्टर होता है तो कई लोग उससे बना लेते हैं। लेकिन वो क्या क्या उसमें बेस होती है, बिल्कुल नहीं। क्या वुलेम होती है, लेकिन वो भी फटफट के आती है, ठीक है ना, मतलब क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मैं खुद ट्राई किया था उसे बनाने की, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। तो एक ऐसा सर्किट जिसे लोग भूलते जा रहे हैं, एक ऐसा मतलब चीज मदरबोर्ड जिसे लोग ज्यादा जानते नहीं है, बाजार में सबसे सस्ता बिकने वाला है, वो 10 रुपये का मदरबोर्ड है, 10 से नहीं तो 15 रुपये का मिल जाएगा आपके पास। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि ये होगा। और इतने बढ़िया यार वॉइस और बेस, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा मदरबोर्ड है या कौन सा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ लगभग यहाँ पर, ठीक है, नहीं रुक जाइए। हाँ, तो अभी ये सारा फोकस टेबल पे हो चुका है और आज हम टेबल पर लाइव आपको बोलकर दिखाएंगे। तो सर्किट भाई मिल गया है बोर्ड, तो ये वाला है। अगर मैं आपको इसका नंबर बताऊं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रुक जाइए। तो यहाँ पर, यहाँ एक मिनट फोकस करने दीजिए। तो यहाँ पर जे वाली आईसी लगी है इसमें, ठीक है ना, जिसका नंबर है D386 नंबर की आईसी लगी है। कुछ इस तरीके का काफ़ी चीपेस्ट बोर्ड है और काफ़ी बढ़िया बेस है। होम थिएटर में जो बेस आती है ना, वो इसी आईसी के माध्यम से दी जाती है और इसका हम एम्पलीफायर बनाएंगे तो इसमें बेस काफ़ी बढ़िया आएगी। अभी देखिए इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो मैं आपको इसके कनेक्शन भी समझा देता हूँ। तो एक मिनट रुक जाइए इस चीज़ से, हाँ, तो एक मिनट थोड़ा फोकस। तो अगर यहाँ पर आप देखो, ये लैग जो है ये 4 नंबर पर, अगर यहाँ से यहाँ पर कट लगा हुआ है इस आईसी में, तो यहाँ से मैं फर्स्ट लगूंगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर नंबर की इसकी लैग होगी ना, वो सारी ग्राउंड होगी। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। तो ये देखिए ग्राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आप समझ सकते हो ग्राउंड का मतलब ऑफ की केबल भी यहाँ पर लगेगी, एक स्पीकर की भी यहाँ पर लगेगी और इसके साथ एक बैटरी की भी यहाँ पर लगेगी इसी ग्राउंड में। लेकिन किस किस टर्मिनल पर लगेगी वो आपको अभी नहीं पता, वो भी बता दूंगा। उसके बाद जो इसका ये ग्राउंड के साथ वाला, यानी कि आईसी की तीसरी लैग है ना, उसके साथ यहाँ पर एक अटैच हुआ है रजिस्टर, और रजिस्टर से आगे निकलते यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लगाना होगा ऑक्स की एक बार और एक ग्राउंड पे, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ गया बैटरी की बार, एक ग्राउंड पे लग जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, नेगेटिव ग्राउंड। और जो पॉजिटिव लगेगी बैटरी की, वो आपकी लगेगी यहाँ पर 6 नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 इधर से अभी, ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर वाली, ये वाली। तो ये इसका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो डॉट लगा है, इसके साथ इसकी पॉजिटिव कंटेक्ट हो जाएगी। और जिसका मेन कैपेसिटर लगा है पावर वाला, स्पीकर की बहुत सिंपल सी बात है, एक ग्राउंड पे लग जाएगी और यहाँ पर एक इस कैपेसिटर से होती हुई तो यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है ना। तो लेग नंबर है लगभग 5 5 नंबर पर स्पीकर की एक वाली लगेगी। कनेक्शन बता दिया, जल्दी से कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट का अडेप्टर लगाया है पावर वाल के लिए,
एक ऑक्स केबल है और ये स्पीकर है। अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वो मैं ये आपको बता देता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो सर्किट तो कंप्लीट हो गया जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्लम ये है अब इसमें फिक्स कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ लग चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पर USB टाइप का यूज़ किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसकी चार्ज से कोई ले लिए पुराना, जहाँ चाइना की देसी चार्जर आते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप कोई भी 4.7 वोल्ट की लगा लेना, बैटरी 3.7 वोल्ट की मत लगाना, बेस फट जाएगी फुल, ठीक है ना, तो काम ही नहीं करेगी। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मैंने स्पीकर का यूज़ किया है, आप स्पीकर का यूज़ ना करते हुए एक वूफर का यूज़ करना जो कि सारे काम कर देता है, फुली आपको बेस भी दे देगा। ये बेस तो देगा लेकिन आपको अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेस का वूफर का होता है, मिल जाएगी वैसे अगर स्पीकर करोगे, लेकिन वॉइस काफ़ी अच्छी मिलेगी, ट्रेबल सब कुछ मतलब बैलेंस होगा सारा इसका सिस्टम। तो अभी फिक्स देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर इसको ऐसे लगाऊं तो काफ़ी घटिया लग रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, काम क्या, यहाँ पर सबसे पहले होल्ड कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, यहाँ पर कर लेते हैं, तो ऐसे क्यों नीचे रख के करते हैं, तो करते हैं हाँ। तो अभी इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर से निकाल रहा हूँ, सेम उसको भी, तो थोड़ी सी तो मुश्किल हो रहा है काम, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, तो इसका काम यहाँ पर चल गया जी, सब कुछ तो अभी निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना, क्यों सब कुछ निकालना पहले, अभी देखिए ये इसका कैप है जिसको कि हमने कट कर दिया। अभी जो भी करेंगे सबसे पहले इसके बीच में इसे डालेंगे, ठीक है, तो ये इसके अंदर चला गया। अभी यहाँ पर हम स्पीकर को चिपका देंगे, तो यहाँ पर यूज इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो सुपर ग्लू का यूज़ करने वाले हैं, देखते हैं कैसा हमें देखने को मिलता है इसका। अभी यहाँ पर देखिए सब कुछ तो हो गया लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है, देख सकते हो कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है। तो चलिए अब इसका लेते हैं टेस्ट, so damn lies what I